नमस्कार, आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 21 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं सतत सक्रिय मोती सिंह राठौर जी को। संघ कार्य को एक बार मन और बुद्धि से स्वीकार करने के बाद आजीवन उसे निभाने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। राजस्थान में श्री मोती सिंह राठौर ऐसे ही एक कार्यकर्ता थे। मोती सिंह जी का जन्म 40 घरों वाले एक छोटे से ग्राम ठिठावता, जिला सीकर में चैत्र शुक्ल 13 विक्रम संवत 1985 यानी अप्रैल 1928 में हुआ था। यहाँ के शिक्षा प्रेमी बुजुर्गों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ओर से 10 रुपए मासिक पर एक अध्यापक को नियुक्त किया। उसके भोजन व आवास की व्यवस्था भी गांव में ही कर दी गई। इस प्रकार गांव में अनौपचारिक शिक्षा एवं विद्यालय की स्थापना हो गई। आगे चलकर सीकर राजघराने ने विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी ले ली। इससे शैक्षिक वातावरण में और सुधार हुआ। इसी विद्यालय से कक्षा 4 की परीक्षा उत्तीर्ण कर मोती सिंह जी और उनके बड़े भाई सीकर के माधव विद्यालय में भर्ती हो गए। दोनों भाई पढ़ने में बहुत तेज थे, अतः उन्हें 5 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी तथा वे विद्यालय के छात्रावास में रहने लगे। पढ़ाई के साथ ही वे खेल, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे रहते थे। उन्हें कविता लिखने का भी शौक था। कल्याण हाई स्कूल के एक कार्यक्रम में उन्होंने छात्रावास की दुर्दशा पर राजस्थानी बोली में एक कविता सुनाई। इसके लिए उन्हें पुरस्कार तो मिला ही, साथ में छात्रावास की हालत भी सुधर गई। इंटर करने के बाद वे अध्यापक हो गए तथा क्रमशः एमएड तक की शिक्षा पाई। कक्षा 9 में पढ़ते समय सीकर में वे संघ के संपर्क में आए। जयपुर में हाई स्कूल की परीक्षा देते समय वहां पान के दरीबे में लगने वाली शाखा के शारीरिक कार्यक्रमों में देशभक्तिपूर्ण गीतों से वे बहुत प्रभावित हुए। नवलगढ़ से इंटर करते समय अजमेर से पढ़ने और शाखा का काम करने आए श्री संतोष मेहता के सानिध्य में रहते हुए संघ से उनके संबंध और प्रगाढ़ हो गए। 1947 में प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग करने के बाद वे प्रचारक बन गए, पर जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लग गया। संघ की योजना से ही वे सीकर के श्री हिंदी विद्या भवन में अध्यापक बन गए। वहां रहते हुए उन्होंने सत्याग्रह का सफल संचालन किया। प्रतिबंध के बाद 1950 में उन्होंने द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण लिया। 1953 में बिसाऊ में सरकारी अध्यापक के नाते उनकी नियुक्ति हो गई। 1982 में सेवानिवृत्ति के 30 वर्ष में उन्होंने प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक अनेक जिम्मेदारियां निभाई। वे जहां भी रहे संघ को भी भरपूर समय देते रहे। अध्यापक जीवन में उन्होंने कठोरता तथा पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कारण कांग्रेस की सत्ता होने पर भी किसी ने उनकी ओर उंगली नहीं उठाई। सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरा समय संघ को ही देने लगे। सीकर विभाग कार्यवाह रहते हुए वे इतना प्रवास करते थे कि वरिष्ठ अधिकारियों को वहां प्रचारक देने की आवश्यकता ही नहीं हुई। इसके बाद वे जयपुर प्रांत कार्यवाह और फिर राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह रहे। उनके समय में दूरस्थ क्षेत्रों में भी संघ शाखाओं में वृद्धि हुई। सभी आयु वर्ग के स्वयं सेवकों में वे लोकप्रिय थे। आयु संबंधी अनेक समस्याओं के कारण जब उन्हें प्रवास में कठिनाई होने लगी तो उन्होंने क्षेत्र कार्यवाह के दायित्व से मुक्ति ले ली, पर कार्यकर्ता उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। अतः सबके आग्रह पर उन्होंने सीकर विभाग संघ चालक का दायित्व स्वीकार किया। एक बार वे सीकर संघ कार्यालय में गिर गए। इससे उनके मस्तिष्क में चोट आ गई। जयपुर के चिकित्सालय में उनका इलाज हो रहा था। 21 जनवरी 2009 को वहीं उनका देहांत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।